जबलपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव करने विधायक संजय यादव पहुंचे। बरगी विधानसभा में मूलभूत सुविधा न मिलने से नाराज है और सरकार और जिला प्रशासन पर उदासीनता के आरोप लगाए गए। बरगी विधानसभा की जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं बरगी विधानसभा की जनता जबलपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची और घंटाघर के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के पर्याप्त इंतजाम रहे। न किसानों को उसका हक दिया जा रहा है, न गरीबों को, न मजदूरों को, न आदिवासियों को। आज हमारे क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या है, हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या है, हमारे क्षेत्र में शिक्षा की समस्या है, हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की समस्या है। हमारे जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जनपद सदस्य हैं या जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनके कहने पर ट्रांसफार्मर नहीं लगता है। आज जिस तरह से आक्रोश, जन आक्रोश हमारे यहाँ का गरीब का, मजदूर का, किसान का, आदिवासी का, दलित का, जो जन आक्रोश आज फूटा है, ये शिवराज जाग जाओ, क्योंकि अब बरगी की जनता पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी, क्योंकि आज तुम गरीबों को पानी नहीं दे रहे, आज हमारे यहाँ सिंचाई का साधन नहीं दे रहे, आप हमारे यहाँ तहसील खोलने का काम नहीं कर रहे, हमारे यहाँ अस्पताल जो हमने बनवाए उसको चालू करने का काम नहीं कर रहे, गरीबों को वन अधिकार के पट्टे नहीं दे रहे, आप हमारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दे रहे। तो वादा खिलाफी, ना इंसाफी कर रही थी, इसलिए जो जनसैलाब सड़कों पर उठ रहा है, निश्चित तौर पर एक चिंगारी ये बरगी विधानसभा से लिख ली है। अगर 15 दिन के अंदर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में पानी पीने की व्यवस्था नहीं की, किसानों को बिजली नहीं दी, बच्चों को शिक्षा नहीं दी, अस्पताल चालू नहीं किया, तहसील चालू नहीं की, तो हम मामा को बताएंगे विधानसभा में आकर कि बरगी विधानसभा की ताकत क्या है, बरगी विधानसभा का आदिवासी कितना मजबूत है, गरीब मजबूत है, किसान मजबूत है। जी, एक तरफ तो जो आदिवासियों की तहसील बता दी सरकार ने आपको, और बरगी विधानसभा में मुद्दा आदिवासी ज़्यादा चाहिए, तो क्या लगता है उपेक्षा न होती थी, मुन्नी भाई काय खड़ी रहती, राम कुमार काय खड़ा रहता, एकता काय खड़ी रहती, सुप्रसाद काय को खड़ा रहता, इसलिए तो उपेक्षा हो रही है। आदिवासी महिलाएं क्यों आई हैं, ये उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, इनके क्षेत्रों में सिंचाई के साधन रोक दिए गए, इनको वन अधिकार के पट्टे नहीं दिए जा रहे, इनकी तहसील ही चालू नहीं किए जा रहे, इनके अस्पताल चालू नहीं किए जा रहे, तो शिवराज अपना चेहरा देख लो। एक यहाँ तक कि ग्राम पंचायत पार्षद रखा जाएगा विधानसभा को, देखो अगर शिवराज सिंह चौहान में जरा सी भी अकल होगी तो आज का जन सैलाब देख के, हमने घेराव का वादा किया था, हमारे जनपद अध्यक्ष ये बोला कांग्रेस के अध्यक्ष, घेराव सफल हुआ, घेराव अंदर आया, घेराव मतलब कलेक्टर को घेरो, हम उसमें सफल रहे, अपनी बात मनवाने में सफल रहे, सारे विभाग के अधिकारी आए थे, कलेक्टर ने हमें आश्वासन दिया है, उसी क्षेत्र में जाऊँगा, हमारे जिला पंचायत सदस्यों को बुलाएंगे, जनपद सदस्यों को बुलाएंगे, सरपंचों को बुलाएंगे और जनप्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी समस्या का निराकरण करेंगे। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।